नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल के साथ मैं हूं सपना सिंह और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। सिनेमा मालिकों के एक संगठन ने सिनेमा बंद करें और अन्य व्यवसायों को अनुमति देने की मांग। सिनेमा मालिकों के एक संगठन पूना एग्जीबिटर्स एसोसिएशन ने सिनेमा मालिकों को अपने सिनेमा घरों को बंद करने और अन्य व्यवसाय को शुरू करने की अनुमति देने की मांग की है। यह आशा की जाती है कि यह निर्णय सरकार को बढ़ी हुई आय का एक स्रोत प्रदान करेगा और एक बार फिर से सिनेमा मालिकों को अपने निवेश पर उचित लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। व्यवसायी अशोक मोहन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सिनेमा ऑपरेटरों से इस पर अन्य व्यवसाय शुरू करने की अनुमति मांगी है। कोरोना संकट ने पिछले 6 महीनों से राज्य के सभी सिनेमा घरों को बंद कर दिया है, जिससे एक बार का सिनेमा चलाना मुश्किल हो गया है। चैरिटी कमिश्नर की अपील, महत्वपूर्ण काम होने पर ही कार्यालय में आए। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आयुक्त के कार्यालय को दान के साथ भीड़ नहीं होनी चाहिए। पार्टियों और नागरिकों को कार्यालय में तभी आना चाहिए जब उनके पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम हो। चैरिटी कमिश्नर दिलीप देशमुख ने ऑनलाइन और संभव होने पर टेलीफोन से संपर्क करने की अपील की है। पुणे, नगर, सोलापुर और सातारा जिलों में नागरिक काम के लिए आयुक्त कार्यालय में आते हैं। वर्तमान में 30% कर्मचारी नियमानुसार कार्यालय में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कार्यालय में तालाबंदी के कारण कम भीड़ थी, लेकिन जिला प्रतिबंध हटने के बाद नागरिक लंबित कार्यों के लिए कार्यालय में आ रहे हैं। कुछ संगठनों के 4 या 5 पदाधिकारी काम के लिए एक साथ आते हैं। इसके बजाय अगर जरूरी काम है, अगर एक ही पदाधिकारी कार्यालय में आता है तो भीड़ कम हो जाएगी और संक्रमण के जोखिम से बचा जाएगा। सुनवाई के लिए अधिवक्ता और दलों को भी पूर्व व्यवस्थित समय दिया जा रहा है, साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। पुणे के कोविड केंद्र में देखने को मिला दवाओं का काला बाजार। प्रतिदिन निर्धारित दवा की 3 से 35 गोलियों में से केवल 8 से 10 रोगी को ही दी जाती है। कोरोना के मरीजों के रिश्तेदारों ने बाकी दवाओं की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। शहर में कोरोना रोगियों को समय पर और प्रभावी उपचार प्रदान करने के लिए शहर के निजी अस्पतालों के कुछ बेड कोरोना पीड़ितों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ अस्पतालों ने कोविड अस्पताल किया है। मरीज के भर्ती होने के बाद रिश्तेदार वहां नहीं जा सकते। रिश्तेदारों को फोन पर मरीज की स्थिति के बारे में बताया जाता है। इस समय के दौरान रोगी को प्रतिदिन बड़ी संख्या में गोलियां निर्धारित की जाती हैं। उस अस्पताल से जुड़ी दवाएं दुकानों से ली जाती हैं। अस्पताल के कर्मचारी इन गोलियों को लाते हैं। एक मरीज को प्रतिदिन 30 से 35 गोलियां देने के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं, लेकिन मरीज से फोन पर बात करने के बाद उसे वास्तव में दिन में केवल 8 से 10 गोलियां ही दी जाती हैं। मरीज के परिजनों ने बताया कि ना तो डॉक्टर और ना ही अस्पताल के पास अन्य दवा की गोलियां का खाता है। पबजी की लत लगने वाले युवा इसके बंद होने से हुए परेशान। केंद्र सरकार ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो युवाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इसलिए जो युवा मोबाइल पर इस गेम को खेलने के आदी हैं, उन्हें परेशान किया गया है। जिंदगी बर्बाद हो गई है, ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि ऐसे युवाओं के माता पिता बहुत खुश हैं। हमने अपने जीवन में ऐसे सुनहरे दिन की उम्मीद नहीं की थी, हालांकि वह आया है, ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। भारत में 3 करोड़ 30 लाख युवा मोबाइल या कंप्यूटर पर इस खेल को खेलने के लिए हमेशा स्तब्ध रहते हैं। उन्हें कोई पता नहीं है जबकि यह खेल चल रहा है। नतीजन उनके माता पिता उन्हें कवर करने के लिए अनिच्छुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में माता पिता की इन समस्याओं का भी उल्लेख किया था। चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार से शुरू करेगी ट्रेनिंग। 2 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी पाए गए कोरोना नेगेटिव। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शुक्रवार से ट्रेनिंग शुरू करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पूरे
सीएसके कैंप का कोविड 19 टेस्ट हुआ, लेकिन इससे पहले इसमें पिछले हफ्ते पॉजिटिव पाए गए दो खिलाड़ी शामिल नहीं थे। इन दोनों खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद किया जाएगा। पिछले हफ्ते सीएसके टीम के 13 सदस्यों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। सीएसके की ट्रेनिंग उनके कैंप में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने की वजह से देरी हुई। सीएसके को छोड़कर बाकी सभी टीमों ने 13वें सीजन के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तीन बार के चैंपियन यूए गत विजेता मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ 21 अगस्त को पहुंची थी। एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने यूए रवाना होने से पहले चेन्नई में एक छोटे ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया था और ऐसा करने वाली वह एकमात्र टीम थी। कन्नड़ फिल्म जगत में भी ड्रग्स का साया, एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी के घर सीबीआई का छापा। कन्नड़ फिल्म उद्योग के कलाकारों और गायकों द्वारा मादक पदार्थ के कथित सेवन और कारोबार की जांच कर रही बेंगलुरु की केंद्रीय अपराध शाखा ने अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के आवास पर शुक्रवार सुबह छापेमारी की। सीबीआई ने अदालत से इस संबंध में तलाश वारंट जारी हासिल किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सीबीआई का एक दल सुबह 6 बजे द्विवेदी के आवास पर पहुंचा। सीबीआई ने बुधवार को अभिनेत्री को नोटिस जारी करके पेश होने को कहा था, लेकिन द्विवेदी ने वकीलों की एक टीम भेजकर सोमवार तक का समय मांगा था। पुलिस ने इसके बाद अभिनेत्री को निर्देश दिया था कि वह शुक्रवार को उनके समक्ष उपस्थित हो जाए। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री सुबह 10 बजे अधिकारियों के समक्ष पेश होंगी। इसी बीच पुलिस ने बताया कि उन्होंने रवि नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी कन्नड़ फिल्म उद्योग में काफी बैठक पैठ है। रवि को मादक पदार्थ के मामले में गिरफ्तार किया गया है और एक अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मायके में कोई गम नहीं था, बस दिल कराची में बेटे और पति के पास था। कोरोना के कारण देश के कई राज्यों में फंसे 198 पाकिस्तानी नागरिक रविवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय अटारी सड़क सीमा से अपने वतन रवाना हो गए। इनमें भारतीय मूल की पाकिस्तानी में विवाहित कई महिलाएं भी शामिल थी। अटारी सीमा पर तैनात प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल सिंह के अनुसार दोपहर तक 60 से अधिक पाकिस्तानी सीमा पार कर चुके थे। पाकिस्तान जाने वाले सभी नागरिकों की मेडिकल जांच उन शहरों में हो चुकी है जहां वह रुके थे। अटारी सड़क सीमा पर स्थित ICP में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को कोरोना टेस्ट किया गया था। कस्टम और इमिग्रेशन अधिकारियों ने इनके दस्तावेजों व सामान की गहन जांच की। पाकिस्तानी बागा सीमा में प्रवेश से पहले BSF के जवानों ने उनके दस्तावेजों की जांच की। पाकिस्तान लौट रही सलमा चौधरी ने बताया कि वह करीब 7 माह बाद अपने घर जा रही हैं। घर पर उसका 7 साल का बेटा है और पति इंतजार कर रहे हैं। सरहानपुर की एक रहने वाली सलमा का विवाह 9 वर्ष पहले कराची में हुआ था। लॉकडाउन लागू होने के 15 दिन पहले वह अपने मायके सहारनपुर आई थी। सलमा ने बताया कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए बेहद उत्साहित है। भारतीय विदेश मंत्रालय का शुक्रिया जिन्होंने कोरोना के दौरान बेटियों को अपने ससुराल जाने के लिए मंजूरी दी है। सलमा कहती हैं कि हालांकि मायके में मुझे कोई परेशानी नहीं थी, वह अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ थी, लेकिन 7 साल के बेटे को मिलने की चाहत उसे रुला देती थी। कराची में बेटे व पति से रोज मोबाइल पर बात हो जाती थी, लेकिन जब बेटा यह पूछता था कि घर कब आओगी तो आंसू रोकना मुश्किल हो जाता था। भारत ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका, NGO के वीजा आवेदनों की होगी कड़ाई से जांच। चीन के साथ LAC पर तनातनी के बीच ऐप बैन के बाद भारत ने उसे एक और बड़ा झटका दिया है। भारत ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिटी पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता वाले गैर सरकारी संगठन चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से जुड़े लोगों के वीजा आवेदनों की कड़ाई से जांच पड़ताल का निर्देश दिया है। भारत की माने तो ये संगठन देश के लिए खतरा हो सकता है, जिस कारण एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है। मामले से जुड़े अफसरों की माने तो भारत सरकार चीन के इस NGO से जुड़े लोगों के वीजा आवेदनों पर सख्ती करने जा रही है। उसका सीधा संबंध कम्युनिटी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट से है। ये संगठन चीन से बाहर नेताओं, थिंक टैंक सदस्यों और मीडिया को प्रभावित करने का काम करते हैं। मामले को करीब से देख रहे दो अधिकारियों की माने तो भारत सरकार ने इंटरनल मेमो के जरिए ये बताया है कि ये NGO देश के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस सरकार का मोदी सरकार पर हमला, मोदी सरकार ने एक्ट ऑफ फ्रॉड करके अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, अब एक्ट ऑफ गॉड करके बच रहे हैं। GDP विकास दर में करीब 24% की गिरावट, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध, कोरोना संकट,
प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को लगातार घेर रही है। शुक्रवार सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो भी शेयर किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरजेवाला ने कहा, जीडीपी का नया मतलब अब हो गया है जी गिरती, डी डूबती, पी पिछड़ती अर्थव्यवस्था। कांग्रेस नेता द्वारा ट्वीट किया गया यह वीडियो 1 मिनट 41 सेकंड का है। कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 6 साल से एक्ट ऑफ फ्रॉड से अर्थव्यवस्था को डुबाने वाली मोदी सरकार अब जिसका जिम्मा एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान पर मरकर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। साफ ही तो है जो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं वो इंसान और अर्थव्यवस्था को क्या बख्शेंगे। पबजी बैन से तिलमिला उठा चीन, कही ये बहुत बड़ी बात। भारत सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी सहित चीन की कंपनियों से जुड़े 118 अन्य मोबाइल ऐप पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद आज यानी गुरुवार को चीन की प्रतिक्रिया आई। गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 चीन पर बैन लगाने के भारत सरकार के फैसले पर चीन ने अपना विरोध जताया है। चीन ने कहा कि मोबाइल ऐप पर भारत का प्रतिबंध चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं की कानूनी हितों का उल्लंघन है। चीन इसको लेकर चिंतित है और इसका विरोध करता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता गायो फेंग ने कहा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का दुरुपयोग किया और चीन की कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रतिबंध उपायों को अपनाया। यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है और उसकी प्रासंगिकता को कम करता है। चीन भारत से उसकी गलत प्रक्रियाओं को सुधारने का आग्रह करता है। सरकारी टीवी चैनल CGTN ने फेंग के हवाले से कहा, चीन भारत के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग दोनों के लिए लाभकारी है। चीन उम्मीद करता है कि दोनों देश बड़ी मुश्किल से तैयार हुए सहयोग माहौल को संयुक्त तौर पर बनाए रखेंगे। साथ ही चीन की कंपनियां समेत अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के लिए खुला व निष्पक्ष कारोबारी माहौल तैयार करेंगे।